नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। हमारी चैनल में आपको स्टॉक मार्केट एडुकेशन के रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेगी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार को सबसे ज्यादा माना जाता है वहाँ के रिलीजियस और कल्चरल साइट्स की वजह से। कहा जाता है कि लगभग 6 मिलियन टूरिस्ट विजिट करते हैं वहाँ हर साल। साथ ही बिहार को माना जाता है इंडियन पॉलिटिक्स का मेन पार्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है बिहार इलेक्शन 2020 से स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनका फायदा हो सकता है इस बिहार इलेक्शन से, और इससे इन्वेस्टर को कैसे फायदा होगा, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है जब कोई पॉलिटिकल न्यूज आता है। इस साल अगर बिहार गवर्नमेंट पिछले बार से स्ट्रॉन्ग बना तो इसके वजह से स्टॉक मार्केट राइज हो सकता है, और इससे बिहार का इकोनॉमी बढ़ेगा क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर का ज्यादा ध्यान ऐसे ही स्टेबल गवर्नमेंट के ऊपर होता है। साथ ही बिहार गवर्नमेंट का फोकस होता है टूरिस्ट विजिटिंग साइट्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसके वजह से भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ा है, लगभग 9.6% से बढ़ा है, मतलब 1.94 लाख करोड़ हुआ है 2018 तक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा का कहना है, इस बार कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से बिहार इलेक्शन 2020 जिसमें 7.79 करोड़ बिहार के वोटर्स होंगे और पोलिंग होगा 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एक ही टाइम में 1000 वोटर्स ही अलाउड होंगे पोलिंग बूथ में। लगभग 46 लाख मास्क और 6 लाख पीपी किट उनको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही 7 लाख हैंड सैनिटाइजर यूनिट और 6.7 लाख फेस शील्ड भी देंगे। बिहार इलेक्शन 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 10 नवंबर तक। इस साल इलेक्शन में 5 स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतते हैं तो इसके कारण बिहार में अच्छा डेवलपमेंट होगा। बिहार गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देते हैं फॉरेन एक्सचेंज से इकोनॉमी बढ़ाने में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बिहार का लगभग 6.3 लाख करोड़ है। वहाँ के प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं कोलकाता और हल्दिया पोर्ट में। इस बार जो बिहार गवर्नमेंट बनेगी वो कोविड-19 मैनेजमेंट में ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, और बिहार गवर्नमेंट फ्लड मैनेजमेंट करने के लिए फ्लड एरिया के 10 लाख से ज्यादा लोगों को फूड सर्विस देकर हेल्प कर रहे हैं, और 11,793 रिलीफ कैंप भी बनाए हैं, और लगभग 577.57 करोड़ ट्रांसफर किया गया है 9.6 लाख फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज के बैंक अकाउंट में। बिहार इलेक्शन 2020 की वजह से एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी और FMCG कंपनी के स्टॉक्स के साथ साथ कंपनी जैसे आलोक इंडस्ट्री और गोकुलदास एक्सपोर्ट की मास्क और पीपीई किट मैन्युफैक्चर करते हैं, इनके स्टॉक्स भी ऊपर जा सकते हैं। हमें लगता है ये ऐसी कंपनी है जिनका फायदा हो सकता है बिहार इलेक्शन के बाद। ट्रेडर और इन्वेस्टर को ऐसे कंपनी के स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।